हेलो दोस्तों, आज मैं बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र जी के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताने वाली हूं जो शायद ही आपको पता होगा। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे फिल्म अभिनेता और निर्माता धर्मेंद्र जी का पूरा नाम धर्म सिंह देओल है। धर्मेंद्र जी के पिता स्कूल हेडमास्टर थे। अपने गाँव से मीलों दूर धर्मेंद्र ने एक सिनेमाघर में सुरैया की फिल्म दिल्लगी देखी और इससे वे इतने प्रभावित हुए कि अपना करियर उन्होंने फिल्मों में बनाने का निश्चय किया। धर्मेंद्र ने 40 दिनों तक रोजाना दिल्लगी देखी और इस फिल्म को देखने के लिए मीलों पैदल चले। धर्मेंद्र को जब पता चला कि फिल्म फेयर नामक पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है तो उन्होंने भी फॉर्म भेजा। धर्मेंद्र ने कहीं से अभिनय नहीं सीखा था, इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ा और वे इस टैलेंट हंट में चुन लिए गए। धर्मेंद्र को लगा कि अब उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये बातें महज सपना साबित हुई। उन्हें जम कर संघर्ष करना पड़ा, कई बार सिर्फ चने खाकर, बेचकर और सोकर उन्हें रात बितानी पड़ी। फिल्म निर्माताओं के दफ्तर में चक्कर लगाने के लिए वे मीलों पैदल चलते थे ताकि पैसे बचा सके और उससे कुछ खा सके। एक बार धर्मेंद्र के पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। थके आरे वे अपने रूम पहुंचे, जहां टेबल पर उनके रूम पार्टनर का इसब गोल का पैकेट रखा हुआ था। भूख मिटाने के लिए धर्मेंद्र ने इसब गोल खा लिया। सुबह हालत खराब होगी और डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया गया। डॉक्टर ने सारा माजरा सुन कहा कि इन्हें दवा की नहीं भोजन की जरूरत है। अर्जुन हिंगो रानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 से धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत की। हिंगो रानी परिवार का धर्मेंद्र ने ताउम्र एहसान माना और उनकी कई फिल्मों में काम करने के बदले नाम मात्र का पैसा लिया। माला सिन्हा, नूतन, मीना कुमारी जैसी उस दौर की नामी हीरोइन के साथ धर्मेंद्र ने काम किया। धर्मेंद्र का डील डोल पहलवानों जैसा था, जिसको देख कई निर्माताओं ने उन्हें अभिनय छोड़ अखाड़े जाने की सलाह दी। कईयों ने कहा कि पहलवान गांव लौट जाओ। फूल और पत्थर धर्मेंद्र की करियर की पहली बड़ी हिट थी। इसमें उन्होंने शर्टलेस होकर दर्शकों को चौंका दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी। फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी ने उनकी नजदीकियां चर्चा का विषय रही। मीना कुमारी के साथ रहते हुए उन्हें शायरी का शौक भी लगा और उन्हें सैकड़ों शेर याद हो गए। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियों से मीना के पति कमाल अमरोही नाराज हुए। वर्षों बाद उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर रजिया सुल्तान बनाई। एक दृश्य में उन्होंने धर्मेंद्र का मुंह काला करवाया। कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह का सीन जान पूछ रख धर्मेंद्र से बदला लिया। धर्मेंद्र को भले ही एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है, लेकिन धर्मेंद्र ने कई हास्य और रोमांटिक फिल्में भी की हैं। हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत हीरो में से धर्मेंद्र एक माने जाते हैं। उनकी सेहत और चेहरे की चमक देख महान अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि वे अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत पाना चाहते हैं। दिलीप कुमार की धर्मेंद्र बेहद इज्जत करते हैं, वे उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे और अक्सर दिलीप कुमार के पैरों में बैठते थे। दिलीप कुमार से मिलने के लिए वे नियमित अंतराल से उनके बंगले पर जाते रहते थे। गोविंदा फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के बहुत बड़े प्रशंसक है। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी तब उन्होंने अपनी पत्नी को धर्मेंद्र का फोटो दिया था ताकि उनका होने वाला बच्चा धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत हो। ये बात धर्मेंद्र को पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऋतिक रोशन भी धर्मेंद्र के फैन हैं। बचपन में उनके कमरे में धर्मेंद्र का बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। कुछ वर्ष पहले ऋतिक के मस्तिष्क की सर्जरी हुई थी। ठीक होने के बाद सबसे पहला फोन उन्हें धर्मेंद्र को ही आया था। धर्मेंद्र का ही आया था। सलमान खान के भी प्रिय हीरो धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र भी कई बार कह चुके हैं कि सलमान और उनमें कई समानताएं हैं और वे भी जवानी के दिनों में सलमान की तरह हुआ करते थे। सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम करने के बदले धर्मेंद्र ने एक पैसा नहीं लिया। फिल्म का लंबा आउटडोर शेड्यूल था। सलमान के पिता सलीम खान ने अपने बेटे से कहा कि वह धर्मेंद्र जी का विशेष ध्यान रखें। 2004 में धर्मेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से बीकानेर से चुनाव लड़ा था और विजयी हुए थे।
धर्मेंद्र की पहली शादी मात्र 19 वर्ष की उम्र में प्रकाश कौर से हुई। धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी को मीडिया से सदैव दूर रखा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड इतिहास की प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक है। दोनों ने लगातार कई सुपरहिट फिल्में दी। लगातार हेमा मालिनी के साथ काम करते हुए गरम धर्म ड्रीम गर्ल को दिल दे बैठे। उस समय हेमा के पीछे संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे अभिनेता भी थे, लेकिन इनको पछाड़ कर धर्मेंद्र ने बाजी मार ली और हेमा को अपना बना लिया। कहा जाता है जितेंद्र और हेमा शादी करने वाले थे, तब धर्मेंद्र ने जितेंद्र की दूसरी गर्लफ्रेंड को इस बारे में बता दिया और शादी रुकवा दी। शोले में वे ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे, जबकि शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी चाहते थे कि धर्मेंद्र वीरू का रोल निभाए। धर्मेंद्र नहीं माने तो रमेश ने धमकाते हुए कहा कि संजीव कुमार को वीरू बना दूंगा, जो कि हेमा मालिनी का हीरो है। धमकी रंग लाई और धर्मेंद्र फौरन वीरू का रोल निभाने के लिए तैयार हो गए। शोले की शूटिंग के दौरान रोमांटिक सीन में धर्मेंद्र जानबूझकर गलती करते थे ताकि हेमा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिले। वे स्पोर्ट बॉय को भी गलती करने के पैसे देते थे। धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम अपनाया। धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में तमाम नामी निर्देशकों के साथ काम किया, जिनमें बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, यश चोपड़ा, बीआर चोपड़ा, रमेश सिप्पी, मनमोहन देसाई जैसे दिग्गज शामिल हैं। धर्मेंद्र को टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 10 खूबसूरत पुरुषों में जगह दी थी। 80 और 90 के दशक में धर्मेंद्र ने एक्शन भूमिकाएं निभाई और उनके द्वारा बोला गया संवाद कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा बहुत मशहूर हुआ। पहली पत्नी से धर्मेंद्र की दो बेटियां विजेता और अजीता हुई और दो बेटे सनी देओल और बॉबी देओल हुए। दूसरी पत्नी से उन्हें दो बेटियां ईशा और अहाना हुई। बॉबी देओल ने तो अपने एक बेटे का नाम धर्म रखा है। 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी, 1 बार श्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी और श्रेष्ठ कॉमेडियन की श्रेणी में धर्मेंद्र का नामांकन हुआ, लेकिन उन्हें कहीं ये पुरस्कार हासिल नहीं हुआ। उन्होंने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के दौरान कहा कि कई बार उन्हें इस उम्मीद के साथ नया सूट सिलवाया कि अवार्ड मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। धर्मेंद्र को बॉलीवुड का हिमेन एक्शन किंग और गरम धर्म कहा जाता है। धर्म को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और उनके गुस्से के कई किस्से प्रचलित है। जितनी जल्दी वे गुस्सा होते हैं उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं। उनका दिल सोने का है। हीरो के रूप में धर्मेंद्र ने लंबी पारी खेली। एक दौर ऐसा भी था जब बाप बेटे दोनों हीरो के रूप में आते थे और धर्मेंद्र अपने बेटे से कहीं आगे थे। सन्नी की हीरोइनों अमृता सिंह, डिंपल कवाड़िया, श्रीदेवी, जयप्रदा के भी वे हीरो बने। मल्टी स्टार फिल्मों में धर्मेंद्र ने कभी परहेज नहीं किया और तमाम स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की। 70 के दशक में वे सबसे महंगे सितारों में से एक थे। शालीमार और रजिया सुल्तान जैसी महंगी फिल्मों के बुरी तरह फ्लॉप होने पर धर्मेंद्र का करियर खत्म मान लिया गया था, लेकिन उन्होंने जबरदस्त वापसी की। एक अध्ययन के अनुसार हाइट्स ग्रॉसिंग स्टार ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में धर्मेंद्र नंबर 4 पे थे। 1987 में 52 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र की 11 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से 7 सफल रही। गुलजार ने धर्मेंद्र को लेकर देवदास फिल्म आरंभ की थी, जो कुछ दिनों की शूटिंग के बाद बंद हो गई। धर्मेंद्र जी ने अपने लंबे करियर में कई हिट फिल्में दी हैं और देश विदेश में फैले अपने करोड़ों प्रशंसकों का अपनी फिल्मों से मनोरंजन किया। शराब धर्मेंद्र की कमजोरी रही है और शराब को लेकर उनके कई किस्से हैं। धर्मेंद्र जी ने कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया है। जब आलोचना बेटे सनी देओल तक पहुंची तो सनी के कहने पर उन्होंने इस तरह की फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। डांस हमेशा धर्मेंद्र की कमजोरी रहा है। वे गानों में अपनी स्टाइल से डांस करते थे। उनके कुछ सिग्नेचर मूव्स हैं जिसकी नकल कई सितारों ने की है। मैं जट यमला पगला दीवाना में उनका यह डांस देखते ही बनता है। अपने दोनों बेटों सनी और बॉबी के साथ धर्मेंद्र का खास रिश्ता है। प्यार और एकता की मिसाल है ये परिवार, जिसके रिश्ते की मजबूत दीवार भी कभी दरार नहीं देखी गई। धर्मेंद्र ने अपने बेटों के साथ अपने यमला पगला दीवाना और यमला पगला दीवाना 2 में काम किया है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।